हम जनता से यही कहेंगे कि जाति धर्म दलित निष्ठा से ऊपर उठ के आपको मतदान करना है, और ये सपा बसपा भाजपा की लड़ाई नहीं है, ये चौरी चौरा के क्रांतिवीरों के सम्मान की लड़ाई है, ये चौरी चौरा के लाल के सम्मान की लड़ाई है। चूंकि भाजपा के साथ नज़दीकी रिश्ता रहा है आपका, भाजपा ने टिकट भले ही काट दिया है, लेकिन आप कई पोस्ट में आपके द्वारा लिखा गया कि भगवाधारी झंडा निर्दल लहराएंगे, तो चीज़ें जो हैं वो भाजपा से जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं भाजपा की विचारधारा से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब चूंकि निर्दल आप लड़ रहे हैं, और भाजपा और क्या कहते हैं निषाद पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार को क्या लगता है, जनता नकारेगी आपको, यहाँ पे स्थापित करेगी, कैसे देखें? और निर्दल भगवा लहराएंगे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से हम लोग चाहे जो भी जुड़ा है, तो एक राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी है, इस नाते सब लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, उसको इतनी छोटी चूक नहीं करनी चाहिए थी। ये एक जाति विशेष की पार्टी जो जिसका संगठन केवल कागजों में ही है, उसके साथ गठबंधन किया, इतनी विशाल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको ऐसे क्षेत्रीय और जाति विशेष की पार्टियों से गठबंधन नहीं करना चाहिए। क्या जरूरत इसको 15 सीट देने के लिए? और ये निषादों का नेता कहाँ है? 14 सीट इसने भेज दिया बाबू साहब और पंडित जी लोगों को, एक सीट पे जिसको लड़ा रहा है चुनाव, अपने बेटे को लड़ा रहा है, उस बेटे के ऊपर बलात्कार से लेके हत्यारोपी को बचाने तक का आरोप है, जो आप विभिन्न चैनलों के विभिन्न उसमें अखबारों में आपने देखा है। खुद संजय निषाद वही व्यक्ति है जो मोदी जी को हत्यारा कह रहा, आतंकवादी कह रहा, अयोगी को कह रहा कि यहाँ से खदेड़ेंगे। पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि अगर पार्टी से चूक होती है, गलत व्यक्ति को टिकट देती है, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को उसका विरोध करके उसको हराना चाहिए। जब पार्टी की बुनियाद रखी गई थी, तब ये चीज़ें लिखी गई हैं, तो उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। वो तो नेता हैं साहब, पल भर में पाला बदल जाएगा, और समस्या तो कार्यकर्ताओं का है, वो भला किधर जाएगा? वहीं का बेटा वहाँ का नेता हो सकता है। बाहर से आप आंध्रा से या तमिलनाडु पे से यहाँ मंगाएंगे प्रत्याशी, इसका कोई मतलब नहीं है। एक सेकंड लगेगा आपको बटन दबाने में, एक सेकंड की अगर आपने चूक की, तो ये 5 वर्ष नहीं, आप ये समझ लीजिए 100 वर्ष आप पीछे चले जाएंगे, क्योंकि बार बार बंधु सिंह नहीं पैदा होते हैं, और मैं उनका खून हूँ, बार बार टप्पू सिंह नहीं पैदा। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। इस समय हम मौजूद हैं चौरी चौरा में, और जब चौरी चौरा की बात होती है तो हमेशा से ही एक क्रांतिकारी धरती रहती है, क्योंकि 4 फरवरी 1922 की घटना, जब असहयोग आंदोलन चरम पे था, महात्मा गांधी उस असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, और क्रांतिकारी धरती होने के साथ साथ ये शहीदों की धरती से भी जुड़ी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस विधानसभा से निर्दल प्रत्याशी अजय कुमार सिंह टप्पू जी हमारे साथ मौजूद हैं। निर्दल प्रत्याशी हैं, भाजपा के साथ ताल ठोकते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन भाजपा ने इन्हें टिकट नहीं दिया, और ये टिकट चला गया भाजपा और निषाद पार्टी के गठबंधन में। हमारे साथ अजय कुमार टप्पू जी हैं, इनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि अब चूंकि 3 तारीख को चुनाव है, अब चुनाव प्रचार थम गए हैं, क्योंकि अभी जिस वक्त हम इंटरव्यू कर रहे हैं लगभग 6 बज चुका है, और 6 बजे के बाद प्रभावी रूप से यहाँ पे चुनाव प्रचार जो है वो थम गया है। 48 घंटे तक चुनाव प्रचार थमा रहेगा, लेकिन अब जनता मूड बना चुकी है कि किसे वोट करना है, कौन सा प्रत्याशी उनके लिए बेहतर विकल्प साबित होगा। बहुत बहुत स्वागत है सर उत्कर्ष पत्रिका में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चूंकि जनता मूड बना चुकी है, आप चुनाव प्रचार अभी तक कर रहे थे, और एक महीने पहले की जो मूड थी चुनाव प्रचार में, जब नेता निकलते हैं तो मूड जो है एक महीने में चेंज हो जाता है, अब 1 और 2 दिन बचा है, क्या लगता है जनता आपके साथ कितनी है, और जनता के साथ अपील कैसे करना चाहते हैं आप, आपके पक्ष में? हम जनता से यही कहेंगे कि जाति धर्म दलित निष्ठा से ऊपर उठ के आपको मतदान करना है, और ये सपा बसपा भाजपा की लड़ाई नहीं है, ये चौरी चौरा के क्रांतिवीरों के सम्मान की लड़ाई है, ये चौरी चौरा के लाल के सम्मान की लड़ाई है। आप हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलिए, और सुनहरे अक्षरों में इतिहास के अपना नाम दर्ज कराइए, क्योंकि 100 साल पूरा हो गया है 4 फरवरी 1922 को, एक नया इतिहास चौरी चौरा से लिखा जाए, जिससे ये देश की राजनीति की दशा और दिशा फिर बदले, जैसे महात्मा गांधी के समय में बदली थी असहयोग आंदोलन के समय में थाना फूंकने के बाद। उसी तरह से यहाँ भी एक इतिहास लिखा जाएगा कि जो मनमाने तरीके से जो कार्यकर्ता 5 वर्ष तक क्षेत्र में काम करते हैं, उनको इग्नोर करके, उनको निग्लेक्ट करके अचानक रातों रात प्रत्याशी भेजे जाते हैं, इससे लोगों का मनोबल टूटता है, लोग हतोत्साहित होते हैं, और कोई सेवा के लिए आगे बढ़ने को तैयार नहीं होगा,
पाँच साल किसी भी दल की बात हो, 5 साल यहाँ के लोग वहाँ जो उनके बीच में रहते हैं वो उनका थाना कचहरी दवा अस्पताल सब किए रहते हैं इस आस में कि शायद किसी दिन जिस दल से जुड़े रहते हैं उस दल से उनको भी नेतृत्व का मौका मिले। दुर्भाग्यवश ऐसा कोई भी दल नहीं काम कर रहा आज की डेट में, जो भी कर रहे हैं बिना सोचे समझे मैनेजमेंट की राजनीति से ऊपर से लोगों को भेज दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जनता नकार रही है और उसका उदाहरण आप चौरी चौरा से देख सकते हैं। चौरी चौरा में चुनाव मैंने एक पहल की कि मैं शुरुआत करूंगा, लोगों के कहने पे, जनता के कहने पे मैंने अपनी हिम्मत दिखाई, लोगों के साथ चला और लोग हमारे साथ घरों से निकल पड़े हैं एक ऐतिहासिक विजय दिलाने के लिए। तो चूंकि भाजपा के साथ नज़दीकी रिश्ता रहा है आपका, भाजपा ने टिकट भले ही काट दिया है लेकिन आप कई पोस्ट में आपके द्वारा लिखा गया कि भगवाधारी झंडा निर्दल लहराएंगे, तो चीज़ें जो है वो भाजपा से जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं, भाजपा की विचारधारा से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब चूंकि निर्दल आप लड़ रहे हैं और भाजपा और क्या कहते हैं निषाद पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार को क्या लगता है जनता नकारेगी आपको, यहाँ पे स्थापित करेगी, कैसे देखते हैं? ये हमसे बेहतर आप जान सकते हैं क्योंकि आप क्षेत्र में घूमते हैं, तमाम जगहों पर आप लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, हमसे बेहतर आप जान सकते हैं। जनता उनको नकार चुकी है और निर्दल भगवा लहराएंगे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से हम लोग चाहे जो भी जुड़ा है तो एक राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी है, इस नाते सब लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है उसको इतनी छोटी चूक नहीं करनी चाहिए थी कि एक जाति विशेष की पार्टी जो जिसका संगठन केवल कागजों में ही है उसके साथ गठबंधन किया। जैसे भी देखिए ताज़ा उदाहरण, लगता है कि भाजपा मजबूर थी यहाँ पे इस निषाद पार्टी के गठबंधन के कारण, क्या लगता है कि भाजपा मजबूर थी ये सीट देने के लिए या भाजपा के द्वारा ये एक चूक करी गई? अब निश्चित तौर पे चूक ही हुई है क्योंकि इतनी विशाल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको ऐसे क्षेत्रीय और जात विशेष की पार्टियों से गठबंधन नहीं करना चाहिए। अभी उदाहरण के तौर पर देखिए ओम प्रकाश राजभर जी का और ये स्वामी प्रसाद मौर्य का, दोनों के को लेके कितना शीशा लेजर हुआ है, फिर वही गलती दोहराई है पार्टी ने। क्या जरूरत इसको 15 सीट देने के लिए? और ये निषादों का नेता कहाँ है? 14 सीट इसने बेच दिया बाबू साहब और पंडित जी लोगों को, एक सीट पे जिसको लड़ा रहा है चुनाव अपने बेटे को लड़ा रहा है, उस बेटे के ऊपर बलात्कार से लेके हत्यारोपी को बचाने तक का आरोप है जो आप विभिन्न चैनलों के विभिन्न उसमें अखबारों में आपने देखा है। और खुद संजय निषाद वही व्यक्ति है जो मोदी जी को हत्यारा कह रहा, आतंकवादी कह रहा, अयोगी को कह रहा कि यहाँ से खदेड़ेंगे, उसका प्रचार भारतीय जनता पार्टी अपने साथ मिलाकर उसको कर रही है। हमको तो नहीं लगता इसकी कोई आवश्यकता थी, इससे माहौल खराब ही होगा अच्छा नहीं होगा निश्चित तौर पे। ये गलत राजनीति है, हम इस तरह की राजनीति को पसंद नहीं करते हैं। इसी नाते हम लोग राष्ट्रीय विचारधारा के व्यक्ति हैं, हम लोग उस विचार भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद ही राष्ट्रीय विचारधारा पे रखी गई है। पंडित देखिए यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति ये सामने है, इन्होंने कहा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, आप देखिए केवल भाजपा के लोगों को राष्ट्रीय लोगों के और महापुरुषों के ही चित्र आपको नजर आएंगे। ठीक है, ये हमारा कमरा है, हमारे बड़े भाई स्वर्गीय विनय कुमार सिंह बिन्नू का ये शौक़ था कि हम यहाँ पे, आज का नहीं ये 300 साल पुराना बना हुआ है, हमारा गांव बस बगल में 1 किलोमीटर पे है, ये गाँव चौरास करमा गांव, वहाँ पर हमारा डिग्री कॉलेज बना हुआ है। ये राष्ट्रीय पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि अगर पार्टी से चूक होती है, गलत व्यक्ति को टिकट देती है तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को उसका विरोध करके उसको हराना चाहिए। ये जब पार्टी की बुनियाद रखी गई थी तब ये चीज़ें लिखी गई हैं, तो उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। एक शायरी याद आ रही है हमको कि वो तो नेता है साहब, और वो तो नेता है साहब, पल भर में पाला बदल जाएगा और समस्या तो कार्यकर्ताओं का है, वो भला किधर जाएगा? हम बताते हैं आपको, इसी नाते हमने ये स्टेप उठाया कि कार्यकर्ता तो हमारे साथ है ही हैं, सारे के सारे कार्यकर्ता हैं, कुछ मजबूरी बस पार्टी सत्ता में है तो दिखाई दे रहे हैं, वो भी हमसे बात करते हैं भैया हम लोग इस बलात्कारी का साथ नहीं दे सकते, हम लोग आपके साथ हैं, तो कोई कार्यकर्ता खिलाफ नहीं है। और ये निर्णय लेना इतना आवश्यक था कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उत्सव का माहौल है, यहाँ पे आपको बाकी आप कहीं भी घूम के आइए ऐसा माहौल ऐसा नज़ारा नहीं दिखाई देगा। आज ही हमारी रैली थी, हम लोग कल डिसाइड किए और हम लोग और चीज़ पूछना चाहते हैं, लगातार पिछले 2-3 दिन से लगातार रैलियाँ हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, बड़े बड़े नेता पूर्वांचल में आ गए हैं क्योंकि 10 जिलों की 57 सीटों पर चुनाव होना है, और कहीं ना कहीं ये जो सीट है, ये विशेष सीट
ये चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि आप यहाँ से निर्दल प्रत्याशी हैं, और ना केवल इस पूरे पूर्वांचल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो एक ऐसी सीट है जहाँ से निर्दल प्रत्याशी ना केवल भाजपा के गठबंधन को, सपा बसपा सबको चैलेंजिंग फैक्टर के रूप में देखा जा रहा है। निश्चित तौर पे मैं कार्यकर्ताओं के सम्मान में, यहाँ के लोगों के सम्मान में ही आगे बढ़ा हूँ, उन लोगों के कहने पे ही आगे बढ़ा हूँ। आज देखिए, निषाद पार्टी की एक रैली थी, रोड शो था उनका, सरदार नगर से नई बाजार तक 10 से 12 लोग इकट्ठे हुए थे उस स्टेडियम में, सरदार नगर सरैया स्टेडियम में 10 से 12 लोग, रवि किशन जी को नेतृत्व करना था जो कि सांसद हैं गोरखपुर से लोकसभा के, और वो आए हैं ऊपर से, जब भीड़ देखे हैं तो वो वहीं से ऊपर नीचे हेलीकॉप्टर उतारे ही नहीं चले गए, और यही हम लोगों की रैली थी। हम लोग लोगों को बुलाए भी नहीं थे, केवल ये था कि हमारा फेसबुक पे था रैली निकलेगी, स्वतः लोग आए थे, और लगभग लोग बता रहे हैं, हम तो आगे थे टेम्पो पे, हमने अपनी रैली की है, और हमको तो लगता है शायद 10 किलोमीटर से कम का काफिला नहीं था जैसा लोग बता रहे हैं, क्योंकि पीछे तो दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब यही है अंतर, ये जनसैलाब जुट रहा है और कहीं ना कहीं जाहिर कर रहा है, जनसैलाब जुट चुका है, जनसैलाब, जनता को ये मालूम है कि गलत राजनीति को अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो बंधु सिंह के वंशज हैं, और इनका साथ हम लोग अगर नहीं दिए और तो हम लोग कभी इससे उभर नहीं पाएंगे, और हम इस तरह की गंदी राजनीति का, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, हमेशा आप योग्य प्रत्याशी को भेजिए, और वहाँ के जो कार्यकर्ता हों उनसे आप बात करके वहाँ के लोगों के बीच की को आप भेजिए, वहाँ वहीं का बेटा वहाँ का नेता हो सकता है, बाहर से आप आंध्रा से या तमिलनाडु पे से यहाँ मंगाएंगे प्रत्याशी तो इसका कोई मतलब नहीं है। एक हमारे प्रमुख जी हैं सुशील जायसवाल जी, वो एक शायरी करते हैं, कहते हैं, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। इसको समझने की ज़रूरत है, एक सेकंड लगेगा आपको बटन दबाने में, एक सेकंड की अगर आपने चूक की तो ये 5 वर्ष नहीं, आप ये समझ लीजिए एक सैकड़ों वर्ष आप पीछे चले जाएंगे, क्योंकि बार बार बंधु सिंह नहीं पैदा होते हैं, और मैं उनका खून हूँ, बार बार टप्पू सिंह नहीं पैदा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे अजय कुमार सिंह टप्पू जी, निर्दल प्रत्याशी हैं और जनता से अपील भी की कि इन्हें वोट करें। तो ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।